विश्वव्यापी गंभीर बीमारी कोरोना वायरस से बचाव हेतु पुलिस आवासीय परिसर गोविंदपुरा भोपाल में अस्थायी रूप से पुलिस परिवारों के सदस्य के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए और चिकित्सक दलों के विशेष प्रकरण मानकर महामारी से बचाव के लिए गोविंदपुरा शिफ्ट किया गया है। पुलिस अधीक्षक मुख्यालय भोपाल से जारी आदेश अनुसार कोरोना संक्रमण के दौरान बंद सभी आवागमन की सुविधाएं पुनः स्थापित होने का हवाला देते हुए तत्काल आवास रिक्त करने हेतु निर्देशित किया गया है। जबकि कोरोना बीमारी पूर्व से गंभीर रूप से परिचलित हो रही है, शासन द्वारा प्रत्येक शनिवार और रविवार को बाजार पूर्णतः बंद रखा जाता है। कृपया भोपाल में भारी बरसात और विश्वव्यापी कोरोना महामारी के संक्रमण के डर से कोई भी मकान मालिक पुलिस वालों को किराए से मकान देने को तैयार नहीं है। ऐसी कठिन परिस्थिति में परिवार के छोटे छोटे बच्चों को उनके माता पिताओं को लेकर किराए के मकान में कैसे जाएं, इसी समस्या को लेकर पुलिस परिवार वाले आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन देने पहुंचे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। जी, मैं अन्नु तमांग बोल रही हूँ। क्या बोलते, मैं गोविंदपुरा से आई हूँ। तो मैं पुलिस मुख्यालय में मेरा पति जॉब करते, तो क्या बोलते, आज हम इसलिए आए कि हमारे कोरोना टाइम के लिए झांगेराबाद से गोविंदपुरा शिफ्ट करा दिया था, लेकिन आज कोरोना जा नहीं गया, कोरोना बढ़ रहा है। आज फिर क्या बोलते, हमें पुलिस मुख्यालय से आदेश आया कि कमरा खाली करो, कमरा खाली करो। हमारे छोटे छोटे बच्चे, एक कोई किसी का बच्चा क्या बोलते, किसी का पत्नी प्रेग्नेंट है, ऐसे को लेके अब बारिश को टाइम में कोई कमरे भी नहीं दे रहे हैं। तो पुलिस वाले को नाम से कोई कमरे भी नहीं दे रहा है, लेकिन रोज़ खाली करवाने के लिए कोई ना कोई जा रहा है। तो हम कहाँ रहेंगे अब? आज किससे मिलना है? हमें गृह मंत्री से मिलना है और हम बात करना है। जब तक हमारा क्या बोलते हैं समस्या का समाधान नहीं हुआ, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। बस छह महीने के दे बस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।